नाड़ी के संबंध में, नॉर्मली योग विज्ञान में नाड़ी को डिफरेंट माना जाता है और नर्वस सिस्टम को डिफरेंट माना, एक सिंपल लाइन समझ लो, उसको एग्जाम्पल के रूप में सिंप्लीफाई कर दे। जैसे आप ऐसे करो तो आपको एक नाक बंद थोड़ी मिलेगी, एक नाक खुली मिलेगी। हो सकता है एक नाक 70-80% बंद हो, एक नाक 90% खुली हो, पर अगर मेडिकली चेक कराओगे तो इस नाक में कोई जो ब्लॉकेज वाली नाक है उसमें कोई बाधा नहीं मिलेगी। उसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ नर्व्स बढ़ गई है या हड्डी बढ़ गई है, सांस नहीं ले पा रहे, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। 1.5 घंटे के बाद फिर ये चेंज हो जाएगा 2 घंटे के बाद। तो अब ऐसा तो होता नहीं बॉडी में कि 1.5-1.5 घंटे में कोई हड्डी इमीडिएट बढ़ जा रही है, ब्लॉकेज हो जा रही है, एक में खुल जा रही है, ऐसे नहीं होता। नाड़ी का यहाँ मतलब है कि ब्रेन का पैटर्न है, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन। तो 1.5 से 2 घंटे में एक नेचुरल प्रोसेस है कि ये पैटर्न चेंज कर देता है, शिफ्ट कर देता है, टाइम शिफ्ट करता है। जैसे 8 घंटे आप काम करते हो तो एक दूसरी शिफ्टिंग में दूसरा आदमी शिफ्ट हो जाता है, वैसे हमारे बॉडी में हमारी जो कॉन्सियसनेस है एक ब्रेन को यूज़ कर रही होती है, ऑटोमेटिकली 1.5 से 2 घंटे में दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही शिफ्टिंग होती है नॉस्ट्रल चेंज हो जाती है, राइट ब्रेन पे शिफ्ट हुआ तो लेफ्ट नॉस्ट्रल चलने लगी और लेफ्ट ब्रेन पे शिफ्ट हुआ तो राइट नॉस्ट्रल चलने लगी। मेडिकल साइंस के समझ से ये बाहर है, मेडिकल साइंस के समझ से बाहर है, वहाँ पे हमें जाना की जरूरत नहीं। अब हम अपने आए योगिक साइंस। अब देखो कि हठ योग में इसको कैसे एक्टिव करते हैं। ब्रेन के पैटर्न को आप चेंज कर नहीं सकते, ब्रेन के पैटर्न को, क्योंकि वो ऐच्छिक मसल्स नहीं है, इस मसल्स को अपनी इच्छा के अनुसार गवर्न नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप फोकस इंक्रीज कर लोगे तो कर सकते हो, फोकस अगर हायर लेवल पे कर लो तो डेफिनेटली कर सकते। तो उन्होंने दो चीज़ें बताई, प्राणायाम में एक चीज़ बताई और ध्यान में एक चीज़ बताई। प्राणायाम में क्या बताया कि आप अंदर लो और यहाँ से निकालो, और यहाँ से लो यहाँ से निकाल दो, तो ये बैलेंस हो जाएगी, ये दोनों ब्रेन का बैलेंसिंग हो जाएगी। बट एक्चुअली इससे किसी को बैलेंस करते हुए मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि करते ऐसे हैं लोग। तो अगर आप इस तरह की क्रियाएं करेंगे तो इससे बजाय कि ओपन होने के और डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन की मसल्स वो हाथ की मसल्स की तरह तो है नहीं कि आप इसमें मुग्दर पीटो और उसी तरह ब्रेन को हिला दो, ऐसे नहीं एक्टिव होता हो। ब्रेन की मसल्स इमोशन से, अंडरस्टैंडिंग से, थॉट प्रोसेस से, ज्ञान से गवर्न होती है। ब्रेन की मसल्स ऐसे पिटाई से नहीं गवर्न होती कि ऐसे खींच खांच के भर दो तो गवर्न हो जाएंगे, नहीं, या इसमें कोई ऑयल डाल दो तो वो ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ऐसे होने लगे तो सब तो एक्टिव है कर दें। ये एक बेसिक है। बेसिक में जैसा कि हमने हमेशा बताया कि इसमें सेंसेशन करो तो सेंसेशन से बहुत इफेक्ट आ जाता है। ये एक बेसिक लेवल का प्रैक्टिस है, ये जो ब्रीदिंग की टेक्निक है बहुत बेसिक है। इससे अपर लेवल की प्रैक्टिस देखो, यहाँ पर फोकस। तो जो हायर लेवल का मेडिटेटर था हठ योग में, राजयोग में, उन्होंने कहा कि ये छोड़ो जी, राइट लेफ्ट छोड़ दो, ध्यान छोड़, आप सेंटर पे फोकस करो। जब सेंटर पे फोकस करोगे तो आपका माइंड सेंटर पे आने लगेगा, जब सेंटर पे आएगा तो ये दोनों ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ब्रीदिंग ने कहा कि आप यहां से लोगे तो ब्रेन का दोनों बैलेंस होगा। थोड़ा सा अपर लेवल पे जो मेडिटेटर गया तो उन्होंने कहा यार बकवासबाजी मत करो, राइट लेफ्ट का चक्कर छोड़ दो, आप अपने ध्यान पे ये जाओ कि जहां आपका टारगेट है ना वहां पे ध्यान करो, राइट लेफ्ट पे ध्यान ना दो, टारगेट क्या है, सेंटर है तो सेंटर पे फोकस करो। उन्होंने सेंटर पे लगा दिया। सेंटर पे लगाने से सेंटर पे आप अपने जो मध्य नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, वो एक्टिव हो गया। भाई जब आप सेंटर पे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गया और आपका थॉट न्यूट्रल हो गया, जैसा कि मेडिटेशन में लोग कहते हैं कि थॉट रह नहीं गया, तो जब थॉट ही नहीं रह जाएगा तो राइट लेफ्ट चलेगा नहीं, न्यूट्रल नॉर्मल हो जाएगा। मुझे आपकी उज्जैन में ऐसा होता हाँ, उज्जैन में हो सकता है, लेकिन उज्जैन इसीलिए होता ही है, लेकिन जो सेंटर को, इसलिए सेंटर से कराया जाता है ना उसे। आप सेंटर पे आ गए बट इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होने के डर रहते। क्यों? क्योंकि अब आपको इस एरिया पे फोकस करने की आदत पड़ गई। अब आप जब देखो, आदमी एडिक्टिव होता है बेटा, जिस जगह पे उसको रिलैक्सेशन मिलता है उस जगह पे वो बार बार जाता है। आप लोग यहाँ किस लिए आते हो? इवन कि घर पे भी आप लोग याद करते हो कि ये करूँ यार, ऐसे कर डालूँ, वैसे कर डालूँ, चलना है उस दिन, ये करना है, वो करना है, फलाना क्वेश्चन पूछना है, वो इसलिए क्योंकि रिलैक्सेशन मिले। मैक्सिमम लोग गुरुओं के पास इसलिए भागते हैं, क्यों, भले ही फेक गुरु हों या अच्छे गुरु हों, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वहां जाते हैं
तो चाहे इमेजिनरी रिलैक्सेशन मिले चाहे रियल में मिले, मिल जाता है ना, इसीलिए भागते हो ना आप लोग। तो आपका एडिक्शन रिलैक्सेशन से है, इस जगह से नहीं है, लेकिन चूंकि इस जगह पे फोकस किया तो रिलैक्सेशन मिला, तो आप इसके एडिक्ट हो गए, अब दिन भर आप इसी को फेंके पड़े हो। हम बचपन में इतना ज़्यादा इस पर फोकस करते थे, कुछ दिन तो इतनी बेवकूफ़ी की कि इसको रगड़ते थे उंगली से कि ये चमकने लगे। इतनी चाइल्डिश एक्टिविटी, एक साधक इतनी चाइल्डिश एक्टिविटी करता है, रगड़ रहा है कि ये थोड़ा यहाँ जलन हो तो जलन दिन भर फील होने लगे, तो हमेशा। अब टीचर भी नहीं समझा रहा है, टीचर भी कह रहा है नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जा रहे हो तुम। कुछ दिनों में कोई कह रहा है कि यार इस जगह चमक रही है, अरे चमकेगी जब तुम रगड़े रहे हो, आधा घंटा एक घंटा रगड़ते हो तुम तो चमकेगी। अब हम एज ए गुरु की फीलिंग कर रहे हैं कि हाँ चमक रहा है। अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाओगे, फोकस करोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ये चमकेगा, लाइट मारेगा, एक्चुअली ग्रोथ नहीं हो रही। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये जगह ओवर एक्टिव हो रही है, अब यहाँ ओवर ब्लड का फ्लो हो रहा है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, अब आप स्थान को पवित्र मानने लगे, रेदर देन न्यूट्रल होने को, न्यूट्रल होना आपकी मेन टारगेट है, ये स्थान टारगेट नहीं है बेटा, न्यूट्रल होना आपका है। अब आप स्थान से प्यार करने लगे, स्थान सबसे अच्छा है, यहीं ब्रह्मा बैठते हैं, यहीं विष्णु बैठते हैं, यहीं पे कृष्ण बैठते हैं, अब यहाँ पे बिंदी लगाना शुरू किया, यहाँ पे चक्र बनाना शुरू किया, नौटंकी चालू हो गई, अब गुरुजी को यहाँ फड़फड़ाना शुरू हो गया, हमको तो कई सालों तक फड़फड़ाया है, हम कुछ दिनों तक अच्छा समझते थे, लेकिन जब एक्सेस फड़फड़ाने लगा, जब नॉर्मल एक्टिविटी में वो बाधा देने लगा, तो लगा यार ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है, सिर्फ चटक रहा है। क्यों? क्योंकि आप स्थान से फोकस हो गए, स्थान पे, जगह से। अब आपको देखो, अब नाड़ी कैसे क्लियर करते हैं, हम नाड़ी पे आ रहे हैं। अब जब मैं ज़्यादा नॉलेजेबल स्टेट में गया तो हमने सोचना, इमेजिनेशन प्रोसेस, जैसे इमेजिनेशन यूज़ किया मैंने यहाँ, मैंने इमेजिन कर रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये बॉडी को मैं ढीला कर रहा हूँ, ये ऑर्गन से मैं सेपरेट हो रहा हूँ, ढीला कर रहा हूँ, ढीला मसल्स को ढीला कर रहा हूँ, इसको ढीला कर रहा हूँ, आँखों को ढीला कर रहा हूँ, माथे को ढीला कर रहा हूँ। अब कुछ दिन ढीला करूँ तो 10 मिनट में सो जाऊँ। अब ढीला करने की, तो भाई ढीला करने में इतना रिलैक्सेशन हो रहा है, यहाँ तो टाइटनेस को और यहाँ रगड़ा मार रहे हैं, जीभ को रगड़ रहे हैं, जीभ को काट रहे हैं, जीभ को नमक से रगड़ रहे हैं कि स्वाद खत्म हो जाए, यहाँ रगड़ा मार रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, अपने साथ किलिंग कर रहे हैं, एक्चुअली किलिंग हो रही है साधना में। ऐसे नॉर्मली थोड़ा चाइल्डिश साधक होते हैं, ऐसे ही करते हैं, सभी ऐसे गुजरते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इमेजिनेशन के प्रोसेस को तोड़ना शुरू किया, एक्चुअली अगर देखो तो आप इमेजिनेशन से ही जुड़े हुए हो इस बॉडी से। अगर आप इमेजिनेशन में ये बॉडी न याद करो तो आप बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते, जान लो। जैसे ही इमेजिनेशन बंद होता है, आप बॉडी का कंट्रोल खत्म हो जाता है, बॉडी को लूज कर जाते हो, लूज हो जाती है। जैसे ही उस प्रोसेस को यूज करना शुरू किया, वो मेडिटेटिव स्टेट को लाने की सोचा, स्टार्ट किया, वैसे ही ये सब गायब गायब, बिल्कुल सिर नहीं याद हो रहा है, पूरी बॉडी नहीं याद हो रही है। एक्चुअल में स्वस्थ होने का मतलब ही यही है कि जब आपको बॉडी न याद रहे तो आप स्वस्थ हैं। जब बॉडी का कोई ऑर्गन बार बार याद आने लगे तो इसका मतलब वो स्थान कष्ट में है। मैंने तो यहाँ पे याद कर करके इस स्थान को रोगी बना दिया। आपका ऑर्गन जब अनहेल्दी होता है तभी तो आपको कष्ट देता है ना बेटा, तभी आपका माइंड वहाँ पर रिमेम्बर हमेशा करता है। और हमने यहाँ रगड़ा मार मार करके और फोकस कर करके इस एरिया को भारी बना दिया हूँ, तो दिन भर हमारा याद होने लगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा आ गया। अब आँखों पे भी, अब केवल यहीं पे तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा नहीं ना, तो आँखों पे भी तो आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो एक लिमिट तक तो अच्छा लगा, लेकिन अब 24 आवर होने लगा, ओवर एक्टिव हो गया। गुरु जी सोच रहे हैं यार ये नहीं होना चाहिए, अब वो और हो रहा है, माइंड और जा रहा है वहाँ पे, अब नहीं होना चाहिए तो और जा रहा है वहाँ। अल्टीमेटली जो खुशी के बजाय यहाँ पे और समस्या क्रिएट हो गई। तो हठ योग में एक टाइम के बाद समस्या ज़्यादा हो जाती है, रिलैक्सेशन कम होता है, अगर नॉलेज न रहे तो, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज न लो तो समस्या क्रिएट हो जाती है। अल्टीमेटली जब हम लूज करना शुरू किए, इमेजिनेशन प्रोसेस को कट ऑफ करना शुरू किए, तब जाके ये सब पूरा नॉलेज प्रोसेस में आया, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, तब राजयोग नहीं फिर ध्यान योग। राजयोग में भी तो इमेजिनेशन सिखाते हो ही नहीं, यहीं पर तो इमेजिनेशन सिखाते हो, वो तो इतने महान आत्मा है कि यहाँ पे आँख बना देते हैं कि आँख की याद करो, ये थर्ड आई है, उनको इतना इमेजिनेशन वो कराते हैं कि वो कहते हैं कि ये तीसरी नेत्र अगर ये जग गई, ऐसे खुल गई, तो सब कुछ ब्रह्मांड दिख जाएगा। अब एक स्टूडेंट
सोच रहा है कि जैसे ये मेरी आंख है वैसे यहाँ एक तीसरी आंख खुलेगी और ब्रह्मांड दिखेगा पूरा। और ब्रह्मांड आंखों से दिखता नहीं, कितना ब्रह्मांड देखोगे भाई, यहाँ तो ये रूम के बाहर जा नहीं सकता, ये दीवार के बाहर जाएगा क्या? और ऊपर ब्रह्मांड देखने के लिए तो जो सेटेलाइट है वो तो बेचारे ब्रह्मांड देख नहीं पा रहे हैं पूरा, तो पृथ्वी और यहाँ पहुँचाने के लिए क्या क्या मुसीबत साइंटिस्ट को करना पड़ रहा है। और हम लोग यहाँ आँख को इमेजिन करते हैं और ब्रह्मांड देख लेते हैं, बकवासबाजी करते हैं। एक्चुअली अंतरात्मा में हमें यूनिवर्सल माइंड को बनाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं बकवासबाजी कर रहे होते हैं, मीन्स कि थॉटलेस। थॉटलेस होते हो तभी तो यूनिवर्स में जाओगे। यूनिवर्स का मतलब है कि थॉटलेस, कुछ है ही नहीं, नो प्लेस, लिमिट नहीं है ना वहाँ। तो बेसिकली आप जाने बंद कर दिए, मोमेंट बंद कर दिए, तो इमेजिनेशन खत्म। इमेजिनेशन खत्म तो यूनिवर्स ही तो है, और क्या है? वो बाहर वाला यूनिवर्स थोड़ी ना देखना है। ये है बेसिक हमारी, ये फिलॉसफी है, लेकिन हम उस फिलॉसफी से नहीं गुजरते तभी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं हर एक मोमेंट में, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो नाड़ी हो, नाड़ी हठ योग का एंड है, हठ योग में नाड़ी आती है ना, सौर योग, ये हठ योग का पार्ट है, तो नाड़ी एंड है, नाड़ी के बाद फिर हम अंडरस्टैंडिंग का यूज करते हैं। अगर हम अपने माइंड को न्यूट्रलाइज कर गए तो फिर ये कंट्रोल होता है, नहीं तो ये ऐसे प्राणायाम और यहाँ फोकस करके नाड़ी कंट्रोल नहीं होती। फुल अंडरस्टैंडिंग से नाड़ी पर फुल फोकस हो जाता है। जब हम धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है नाड़ी का, नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, बेटर होने लगती है, तो हमारा इमेजिनेशन प्रोसेस लेस होता जाता है। जितना इमेजिनेशन प्रोसेस लेस होता जाएगा उतना ही ये रेस्ट मोड पे जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली इक्वल होता जाता है। जैसे अगर आप मान लो एंगर में हो, एंगर बेस्ड ब्रेन हो गया, ऑल द टाइम एंगर सिचुएशन में हो, अब राइट नॉस्ट्रल एक्टिव हो गई। अब चूंकि एंगर की मसल्स ब्रेन में, एंगर वाली मसल्स यूज टू हो गई, अब उसको दूसरी मसल्स एक्टिव होना पता ही नहीं, दूसरी मसल्स सो गई, सुसुप्त हो गई, तो अब एक ही नाक तो चलेगी। मैं कहता हूँ कि हर 1.5 से 2 घंटे में ये नाड़ी चेंज हो जाती है। एक्चुअली अगर आप एंगर बेस्ड ब्रेन हो गया तो आपकी नाड़ी चेंज नहीं होगी, ये दिन, दो दिन, दो चार दिन एक ही चलेगी। फिर तो कभी कभी बेचारी जो सोई हुई नाड़ी है जग गई, तो वो थोड़ी देर चला गई, तो आपको लगता है यार क्या जन्नत मिल गया, रिलीफ मिल गया, बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि एंगर बेस्ड ब्रेन, एंगर बेस्ड मेमोरी एक्टिव है, तो वो फिर से तो अपने पैटर्न पे आएगी, फिर से आप एक्टिव हो गए, मेमोरी में फीड है ना। एक टाइम के बाद आप आगे बढ़ते हो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है न्यूट्रल करना पड़ता है, वहाँ से नाड़ी कंट्रोल में होती है। पहले कॉन्सेंट्रेशन से नाड़ी को कंट्रोल करते हो, नॉस्ट्रल से, फिर यहाँ से, फिर उसके बाद थॉट को, मसल्स को रिलैक्स करके नाड़ी को एक्टिव करते हो। तो ध्यान दो, मसल्स और नर्व्स को जितना रिलैक्स करते जाओगे वो नाड़ी एक्टिव होती है। उसी को कहते हैं तुरीयावस्था, न्यूट्रल। तुरीयावस्था का मतलब कि न तो सुख है न तो दुख है, हम बात कर रहे हैं, अब इसमें कोई बुराई का एंगल नहीं है, किसी को न तो गाली दे रहे हो, किसी को फिलॉसफी पे बात कर रहे हो ना, तो ये एक न्यूट्रल ब्रेन में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जो आपके नर्वस सिस्टम को एक न्यूट्रल सेंस दे रही है, न्यूट्रल मैसेज दे रही है, जो इक्वल करता है, बैलेंसिंग। ये नेचुरल है, ये गुड प्रैक्टिस है, पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये नॉर्मल। जब आप हायर लेवल पे जाते हो तो ये शिफ्टिंग नहीं होती, फिर सेंटर पे रहता है ना। तो फिर जब आप जिस सिचुएशन में यूज कर रहे होते हो, अब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो वहाँ न्यूट्रल थोड़ी रहोगे। अब किसी बच्चे को चोट लग गई तो आप इमिडिएटली उस तरह यूज करने लगते हो, क्योंकि ब्रेन फ्रेश है तो इमीडिएटली ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों को नहीं एक्टिव होता टाइम पे। अब जैसे मदर का, मैक्सिमम मदर का क्रिटिकल सिचुएशन में, खास करके उनके बच्चों को सिचुएशन अगर नेगेटिव आ गई तो वो फेंट हो जाती, आधा फेंट तो वहीं हो जाती है, वो सोल्यूशन नहीं निकालती माताएं, फादर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑलरेडी सेपरेट हुए होते हैं, सेपरेशन मोड पे ऑलरेडी होते हैं ना बच्चों से, वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रहते जितना मदर होती है, क्योंकि मदर जेनेटिकली भी क्लोज है भाई ऑब्वियसली। तो वो आधा तो फेंट वैसे ही हो जाती थी। मेरी माँ, हम लोगों को अपनी माँ को जैसे ब्लड का ड्रॉप भी नहीं दिखाते थे, वो तो रात में कहीं दर्द वर्द हो रहा है, छोटे थे और कहीं चोट लग गई छुपा छुपू के और दर्द होने लगता तो फिर वो डांटना चालू करती। अगर फ्रेश ब्लड देख लें तो वो 90% वहीं पर गिर जाती। तो वो इसलिए क्योंकि
खींचने की आदत हो गई। इतना ज्यादा अटैच का मतलब क्या है? जुड़ना। आप अपने सिस्टम से इतना ज्यादा जुड़ के टेंस कर देते हो कि आप प्रेजेंट मोमेंट को मैनेज नहीं कर पा रहे। अरे भाई, सेपरेशन सीखोगे तभी तो प्रेजेंट मोमेंट को मैनेज करोगे। तो न्यूट्रल सुषुम्ना में रहते हो, तो इसीलिए नाड़ी का यूज हुआ, ये नाड़ी का ज्ञान इसीलिए कराया जाता है।